हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्री फ्लाई पे। तो दोस्तों, ट्रिप का जो थर्ड पार्ट है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले दो पार्ट में आपने देखा कि हम लोग भीमा शंकर और त्रिम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हम लोग कर चुके थे। रात में हम लोग शिरडी पहुंच चुके थे। ये उसी दिन रात की क्लिप है जब हम लोगों ने शिरडी में डिनर किया और उसके बाद होटल में जाके रेस्ट किया। नेक्स्ट डे हमने शिरडी विजिट किया, शिरडी टेंपल साईं बाबा के दर्शन किए। तो सब देखने के लिए आप लोग वीडियो के थर्ड पार्ट को आगे कॉन्टिन्यू करिए, इस व्लॉग को पूरा देखिए। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से प्यार देते रहिए। चलिए वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर रात का टाइम था, हम लोग नासिक से आ चुके थे शिरडी और डिनर करके फिर हम लोग होटल में पहुँच चुके। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। अभी सेकेंड डे हम लोगों का, रात में हम लोग यहाँ शिरडी पहुँच गए थे। बहुत लेट हो गया था और शिरडी पहुँचने के बाद हम लोग होटल में रुक गए थे। यही होटल है जो मिला और अभी सुबह सुबह हम लोग के दर्शन है। 7 बजे का स्लॉट हम लोगों ने बुक किया, तो रेडी होके अब हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को भी करवाते हैं शिरडी के दर्शन। सेकेंड डे यहाँ पर ये लोग भी रेडी हो गए हैं सब। काव्या भी है, हम शिरडी से आते हैं। वो लोग जा रहे हैं लिफ्ट से और मैं चलती हूँ। आप खोल लिए, काव्या का खुलवा दिए, गाड़ी में रख देना। दोस्तों यहाँ पर हम लोग मंदिर प्रेमिसेस पे पहुँच चुके हैं और अंदर तो कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं था, इसलिए हम लोगों ने अपने शूज़ और मोबाइल, पर्स, बेल्ट ये सब हम लोगों ने कार में ही छोड़ दिया। उसके बाद फिर अंदर जाके हम लोगों ने दर्शन किए। हम लोगों ने सुबह 7 बजे का स्लॉट लिया था। आप लोगों को भी अगर जल्दी दर्शन करने हैं तो आप लोग शिरडी साई बाबा की वेबसाइट पर जाकर जो पास है वो बुक कर सकते हैं, जिसके चार्ज 100 रुपीज़ पर पर्सन है। अलग अलग स्लॉट है, सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है, तो जितनी सुबह आप दर्शन कर सकें सुबह के टाइम पर ईजिली हो जाता है दर्शन, ज़्यादा भीड़ नहीं होता। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिया। अंदर तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पर बाहर निकलकर आप जो बगल में गार्डन है वहां पर आप कैमरा लेकर जा सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। अंदर हम लोगों के अच्छे से दर्शन हो गए, सुबह का टाइम था, उतनी भीड़ नहीं थी। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं शिरडी के साईं बाबा के पास और शिरडी में हम लोगों के जो दर्शन है, साईं दर्शन हो चुके हैं। वहाँ तो फ़ोन अलाउड नहीं था, बट उसके बाहर का जो प्रीमिसेस है वहाँ पर आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर सकते हैं। अंदर तो नहीं हुआ, अंदर हम लोग अच्छे से दर्शन हो गए, बाकी फुल डिटेल आपको ब्लॉग में दिखेगा ही। और यहाँ पर सामने ही एक बहुत प्यारा सा गार्डन है साई बाबा का, आइए कुछ आपको उसकी झलक दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग जो पास बुक करेंगे उसका प्रिंट आउट आप लोग ज़रूर लेकर जाइए अंदर, क्योंकि अंदर दर्शन के लिए वहाँ पर उसका जीरोक्स ही देखते हैं। और हाँ, वहाँ पर बहुत सारे शॉप वाले होंगे जो आपको बोलेंगे प्रसाद लेकर अंदर चढ़ाने के लिए, तो आप लोग उस झांसे में मत आइएगा, क्योंकि अंदर थोड़ा भी प्रसाद, कोई भी प्रसाद चढ़ाने की परमिशन नहीं है। आप लोगों को जो वहाँ प्रसाद मिलेगा वो अंदर ही मिलेगा, जो विभूति है वो सब दर्शन करने के बाद वहाँ से दिया जाता है, अंदर प्रसाद कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता। तो इस स्कैम से थोड़ा बचिएगा और जीरोक्स निकलवा के ही आप लोग जाइएगा, उससे आप लोगों को ईजिली दर्शन हो जाएंगे, नहीं तो फिर वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं गार्डन। और ये मंदिर के बाहर का आउटर का है और यहाँ पर सामने आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह नाश्ता ब्रेकफास्ट डिनर के लिए दिख जाएगा। यहाँ पर बहुत ही बड़ी एक साईं बाबा की स्टैचू मूर्ति है जिसमें से कंटिन्यू पानी गिरता रहता है उनके घड़े में से, तो साईं कृपा हर जगह बनी रहे। और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी कैब की तरफ। हम लोगों ने अपने स्लीपर्स कैब में ही छोड़ दिए थे, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों शिरडी एक ऐसी जगह है जहाँ आपको शांति और आस्था दोनों मिलती है और बहुत ही साफ़ सुथरी सिटी है, बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए और दुआ मांगने के लिए।
साईं बाबा के उपदेश बहुत सिंपल थे, श्रद्धा और सबरी। उनके चमत्कार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और लोग मानते हैं कि बाबा आज भी अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर एक बार यहाँ शिरडी आइए और शिरडी के साईं बाबा के दर्शन ज़रूर करिए। और यहाँ पर अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप यहाँ का लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर करिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बट हम लोगों को आगे भी जाना था, अभी हम लोगों को आगे और भी जगह जाना है, और तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ का जो लोकल मार्केट है वो तो एक्सप्लोर नहीं किया, और हमने अच्छे से दर्शन कर लिए साईं बाबा के। और यहाँ पर अब हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ। रास्ते में हम लोगों को अभी शनि सिंगनापुर भी जाना है, तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को शनि सिंगनापुर के दर्शन कराते हैं। आई होप आपको ये ट्रिप वाली वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, इंटरेस्टिंग लग रही होंगी, और हमारी वीडियो से हो सकता है आपको थोड़ी हेल्प मिल रही हो। अगर आप लोग यहाँ कुछ प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए इजी होगा। तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और शनि भगवान के। तो शिरडी के बाद शनि सिंगनापुर अभी हम लोग जा रहे हैं। ये यात्रा शिरडी से लगभग 1.5 घंटे की है और शनि देव का यह मंदिर अपनी अलग परंपराओं के लिए जाना जाता है। चलिए हमारे साथ इस सफ़र में जुड़िए और शनि देव के आशीर्वाद लीजिए। शिरडी से शनि सिंगनापुर का जो रास्ता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सुहाना है। बीच में गांव, खेत, नेचर के आनंद लेते हुए आप शनि सिंगनापुर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों हम शनि सिंगनापुर मंदिर के बाहर पहुंच गए हैं। ये जगह शनि देव के प्राचीन मंदिर के लिए फेमस है और यहाँ के कुछ यूनिक रूल्स एंड रिचुअल्स इस मंदिर को अलग बनाते हैं। शनि सिंगनापुर की सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ शनि देव की जो मूर्ति है वो खुले आसमान के नीचे रखी गई है और लोग कहते हैं कि शनि देव खुद यहाँ के लोगों की रक्षा करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ के घरों और में और दरवाज़ों में कभी भी ताले नहीं लगते, क्योंकि लोग मानते हैं कि शनि देव के आशीर्वाद से यहाँ कभी चोरी नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के बाहर, और जो इस मंदिर का आर्किटेक्चर था बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। तो यहाँ पर जो प्रसाद है वो अलग अलग तरीके के प्रसाद मिलते हैं आपको जो चढ़ाना हो। खासकर इस मंदिर में मान्यता है तेल चढ़ाने की, शनि देव को लोग तेल चढ़ाते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पहुँच चुके हैं, उसके बाद फिर हम लोगों तेल लेंगे और फिर अंदर चलेंगे मंदिर के। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के मेन एंट्रेंस पे, यहीं से एंट्री शुरू है। और जो मंदिर तक जो जाने का रास्ता है वो अंडरग्राउंड है, तो यहाँ से जो एंट्री है वो स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर मोबाइल का कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं था, आराम से आप लोग अंदर ले जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं, काव्या भी, अब उसको भी हम लोग पैदल ले जाएंगे तो देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ और शनि भगवान के दर्शन करते हैं। और यहाँ पर शनि भगवान का जो मंत्र है, ओम नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तडम संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। तो शनि भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं। शनि सिंगनापुर में शनि देव को तेल चढ़ाने की परंपरा है। यहाँ आने वाले भक्त अपने दुख दूर करने के लिए शनि देव की कृपा के लिए यहाँ पर तेल की पूजा करते हैं। शनि देव के दर्शन का यहाँ अनुभव आपको एक अलग ही शांति और पॉजिटिविटी से भरा हुआ लगेगा। जितने भी लोग यहाँ पर आते, वैसे तो चढ़ाने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं जिसकी जैसी श्रद्धा या जिसके यहाँ जिस तरीके से पूजा होता है, बट मेन जो यहाँ पर है शनि भगवान को तेल चढ़ाया जाता है। तो हम लोगों ने भी तेल ले लिया और आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं मंदिर का अंदर कैसा व्यू है और वहाँ पर कैसे सब लोग पूजा कर रहे हैं, फिर वैसे ही हम लोग भी करेंगे। समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। तो लिया करे पकड़ लगेगा।
के निचली कक्ष। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ से जो है प्रसाद जो भी चढ़ाना है वो चढ़ावा वो स्टार्ट हो चुका है। सब लोग कहीं पे नारियल चढ़ाना है, कहीं पे ये कुछ पता नहीं किस चीज़ का पत्ता था वो चढ़ा रहे थे, उतनी मुझे नॉलेज नहीं है तो हम लोगों ने तो नहीं किया। हम लोग आगे बढ़ते गए, तेल सबसे एंड में चढ़ाना है। तो यहाँ पर धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं और आप देख सकते कितना साफ सुथरा ये मंदिर है और कितनी शांति कितनी पॉजिटिविटी इस मंदिर में है। साथ ही साथ ये मंदिर उतना ही बड़ा है और इसका आर्किटेक्चर भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अद्भुत है। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और शनि शिंगणापुर का दोस्तों इतिहास और यहाँ का नियम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लोग यहाँ मन्नत मांगने आते हैं और कहते हैं कि शनि देव उनकी रक्षा करते हैं, साथ ही साथ उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तो ये आस्था है, भक्ति है लोगों की। तो बस हम लोग भी यही कामना करते हुए आगे बढ़ रहे थे और शनि देव के दर्शन करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है मेन तेल यहाँ पर अर्पण होता है और शनि भगवान के पास जाकर भी एकदम मंदिर में वन के सामने जाकर भी आप तेल अर्पण कर सकते हैं, बट उसके लिए चार्जेस है 500 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। और नहीं तो आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं ये पाइप के थ्रू, वहाँ पर जाकर तेल वो शनि भगवान के ऊपर ही चढ़ता है। तो भाई आस्था मन में होनी चाहिए। तो हम लोगों ने तो यहीं पर तेल जो है वो अर्पण कर दिया शनिदेव को। वैसे कुछ लोग ऊपर भी जा रहे थे बट मुझे लगा कि शायद उसके थोड़े चार्जेस ज़्यादा है, 500 पर हेड तेल चढ़ाने के लिए भगवान के पास थोड़े से चार्ज मुझे ज़्यादा लगा। बट आस्था है अपनी अपनी, जिनको जिनकी कोई मन्नत है जिनको जाना है वो लोग वहाँ जाके भी चढ़ा रहे थे। तो आप सामने देख सकते हैं हम लोगों ने भी यहाँ पर तेल चढ़ाया बारी बारी से। पहले मैंने चढ़ाया, फिर मेरे हस्बैंड ने, काव्या से भी हम लोगों ने चढ़वाया, पापा मम्मी ने भी चढ़ाया। तो यहाँ पर हम लोग तेल चढ़ाकर आगे बढ़ रहे हैं और आगे आपको दिखेंगे शनि देव की जो मूर्ति है वो एकदम खुले आसमान में है, एकदम खुले में जो मंदिर है। और लोग वहाँ पर पास में भी जाकर तेल चढ़ा रहे थे बट वही है पास में जाके चढ़ाने के चार्जेस 500 पर हेड था। तो दोस्तों देख सकते हैं जो शनि भगवान की जो मूर्ति है जो प्रतिमा है वो यही है, ओम शनि शनिश्चराय नमः लिखा हुआ है। कुछ लोग वहाँ पर पास में जाकर भी तेल अर्पण कर रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ दूर से ही तेल चढ़ाया और जो शनि देव का आशीर्वाद लिया। शनि देव की कृपा से ही बनी रहे सब पर और जितने भी दुख कष्ट हैं सबके दूर होते रहें। यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग धीरे धीरे आ रहे थे और भीड़ होती जा रही थी, तो हम लोगों ने भी फटाफट दर्शन किए, सब लोगों ने आशीर्वाद लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं काव्या को भी तेल चढ़वाने के लिए लेकर जा रही हूँ, तो उससे भी हम लोगों ने तेल चढ़वाया और दर्शन करके फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े। तेल दे दो सामने।
तो शनि देव की तो दोस्तों जो प्रतिमा है वो खुले आसमान में है, बट उन्हीं के जस्ट सामने यहाँ पर मंदिर है जहाँ पर अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, हनुमान जी की, राम सीता की, कृष्ण जी की, सभी भगवानों की मूर्तियाँ हैं। तो आप लोग यहाँ पर अंदर आकर फिर उनके भी दर्शन करिए, उनको आपको जो चढ़ाना है प्रसाद वगैरह चढ़ा सकते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर आ गए हैं, तो देख सकते हैं हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, दुर्गा माता है, सभी भगवान के यहाँ पर प्रतिमा रखी हुई है मंदिर के अंदर। और शनिदेव की जो मूर्ति है वो खुले आसमान के है, खुले आसमान में है, मंदिर के अंदर नहीं है। तो लोग वहाँ पे पूजा करके फिर यहाँ पर आते हैं, पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं सभी देवी देवताओं के। तो यहाँ पर हम लोगों ने भी आशीर्वाद लिया, उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकल गए। और इस मंदिर में दोस्तों वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का वैसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं था, मोबाइल सबमिट नहीं था, मोबाइल आराम से लेकर जा सकते हैं। बट वही है, ज़्यादा टाइम आप मत वहाँ वेस्ट करिए क्योंकि लोगों को दर्शन भी करने होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये गौरी हवन कुंड है जहाँ पर हवन जल रहा है, तो यहाँ कभी आशीर्वाद लिया हम लोगों ने, टीका वगैरह लगाया और फिर आगे बढ़े। और आगे बढ़ते हुए रास्ते में फिर हम लोगों ने प्रसाद लिया, यहाँ पर शनिदेव की जो विभूत होता है वो मिलता है, वो ज़रूर लीजिए। और साथ ही साथ काला धागा दिया जाता है प्रसाद में, तो वो सब लेकर आप बांध सकते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों हम लोगों के अच्छे से दर्शन हो गए और अब हम लोग एग्जिट की तरफ निकल रहे हैं। तो जब आप बाहर के साइड निकलिएगा तो यहाँ पर जो प्रसाद है शनिदेव का वो आपको यहाँ मिलेगा, तो जिसका चार्ज 20 रुपये है, आप 20 रुपये देकर जो प्रसाद है वो ले सकते हैं। तो हम लोगों ने भी शनि भगवान का जो प्रसाद है वो लिया, और प्रसाद तो सारे ही टेस्टी होते हैं, तो प्रसाद वगैरह खा के अब हम लोग आगे की तरफ निकल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काव्या भी चल चल के थक चुकी है, भाई 2 दिन की ट्रिप है, छोटी बच्ची है, तब वो गोदी में चढ़ गई और हम लोग दर्शन कर चुके हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा शनि शिंगणापुर का जो दर्शन है वो बहुत अच्छे से हो गया। अब हम लोग मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। और जो ये शनि शिंगणापुर का दोस्तों जो मंदिर है बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है और बहुत ही सुंदर भव्य आर्किटेक्चर है। और साइड में आपको यहाँ पर एक छोटा सा तालाब भी दिखेगा। धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि इस टाइम 11:30 का टाइम हो रहा था, जिसकी वजह से जो टाइल्स और मार्बल पर जाने में थोड़ा सा पैर तप रहा था, बट फिर भी मैं आप लोगों के यहाँ पर गई और सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड करके ले आती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर के अंदर का ही एरिया है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो यहाँ पर इस तालाब में पौंड तालाब आप जो कह सकते हैं, उसमें छोटी छोटी मछलियाँ थी, लोग वहाँ पर दाने वगैरह भी दे रहे थे उनको। तो ये सब मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई, वीडियोज़ ली और फिर वहाँ से निकल गए। तो बस फिर शनि शिंगणापुर के दर्शन करके अब हम लोग निकलेंगे दोस्तों घर की तरफ वापस पूना। 2 दिन का जो हमारा ये ट्रिप था, धार्मिक ट्रिप, वो ख़त्म हुआ। हम लोगों ने भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर, शनि शिंगणापुर, शिरडी सब कुछ कवर किया, बहुत अच्छे से ये सारे दर्शन हो गए। और अब फाइनली बारी थी घर जाने की, तो बस वहाँ रास्ते का तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हुआ। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग सीधे घर पहुँच गए, घर चले गए। उसके बाद 3:30 बजे के करीब हम लोग अपने घर पहुँच गए थे। तो बस 2 दिन का जो हमारा ये ट्रिप है वो ख़त्म हुआ, बहुत अच्छे से सब कुछ दर्शन हो गए। आई होप आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी। वीडियोज़ अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।